हेलो डियर स्टूडेंट्स, और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक्सरसाइज 15.1 प्रोबेबिलिटी से है क्लास 9 की किताब से, और इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 7 में ये क्वेश्चन दिया गया है। किताब तो आपके पास होगी ही। टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वॉज कंडक्टेड। द डेटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो ओपिनियन जो है यानी किसको पसंद है, ऐसे स्टूडेंट जो है वो 35 है, और जिसको पसंद नहीं है ये सब्जेक्ट जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स वो 65 है। तो हमें प्रोबेबिलिटी दोनों की बताती है बतानी है, जो पसंद करते हैं और जिनकी नापसंद भी है। तो पहला है जो है वो पसंद के ऊपर है, यानी पहला पार्ट जो लाइक करते हैं, प्रोबेबिलिटी लाइक्स वालों के लिए। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक्स स्टैटिस्टिक्स डिवाइड बाई हम करेंगे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, हमने देखा 135 स्टूडेंट्स हैं जो लाइक करते हैं स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट को, आउट ऑफ क्योंकि 200 स्टूडेंट्स से पूछा गया था, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। इसको हम आप रिड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है। और हमें डिसलाइक की प्रोबेबिलिटी बतानी है, डिसलाइक वाले कितने हैं, डिसलाइक जो करते हैं ऐसे स्टूडेंट हमने देखा 65 हैं, कितने में से 200 में से। तो ये उनकी प्रोबेबिलिटी हो गई, आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, रिड्यूस करना आता ही है, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 200 को 2 × 200 लिख सकते हैं, और ये दोनों 20 का मल्टीपल में आते हैं तो ये 5 से रिड्यूस हो जाएगा, और ये भी 5 से रिड्यूस हो जाएगा, तो 27/50, ठीक है। फर्दर से ज़्यादा नहीं जा सकते, इसी तरीके से 65/2 × 200 इसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये होता है 13 की टेबल में, और 25 सॉरी 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 25 × 4 = 100 होता है, 25 सर, तो यहाँ पे 40 आएगा, और यहाँ पे आता है 13 × 5 = 65 और 25 × 100, तो ये हो जाएगा 13/40। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 7।